ओके okay, सो so आज हम बात करने वाले हैं ड्रॉपर्स के लिए ठीक है जो ड्रॉपर्स जो ड्रॉप लेना चाह रहे हैं ट्वेंटी एग्जाम के लिए आप लोग इसमें बात करूँ तो आपसे कई लोगों ने दिमाग बना लिया होगा ड्रॉप करने का अगर ड्रॉप बनाने का डिसीजन ले रहे हो तो एक मैंने एक वीडियो डाल रखी मैंने उससे आप डिसाइड कर सकते हो कि ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है और इस बार ड्रॉप लेना काफी सेंस बनाता है बिकॉज एग्जाम काफी नियर ऑलरेडी आपके ऑलरेडी छह महीने जा चुके हैं सो तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है ओके सो ड्रॉपिंग मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एंड सें एवल गिविंग यू व्हाट टू डू अबाउट ड्रॉपिंग ओके तो अपने पास लगभग सौ दिन है जनवरी अटैप्ट के अंदर और हम जनवरी अटैप्ट को टारगेट करेंगे क्योंकि जनवरी अटैम्प्ट अगर अपना अच्छा चला गया तो एक सेफ्टी हो जाती है प्लस अपने पास काफी सारा

सो फोर्टी डेज जो आपके पास फर्स्ट है स्टार्टिंग से यू कैन थिंक ऑफ दिस एज रफली फ्रॉम नाउ टिल द एंड ऑफ लेट से द नेक्स्ट मंथ ओके इसके अंदर आपको क्या करना है आपको इसके अंदर आपके जो मेजर टॉपिक्स हैं जो बड़े टॉपिक्स के आपके बैकलॉग है जो बड़े टॉपिक्स के अंडरस्टैंडिंग नहीं है यू हैव टू क्लियर दिस ओके दिस अलॉट ऑफ टाइम्स इन द पास्ट एज वेल वाई दिस इंपॉर्टेंट बिकॉज बाद में क्या होता है कि आपको रोटेशन है एनलियम है या रोटो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या मैकेनिज्म वाला जो पार्ट है ऑर्गेनिक के अंदर या कैलकुलस वाला पार्ट है यू डू नॉट गेट द टाइम टू स्टडी दिस टॉपिक्स लेटर ऑन ओके सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको अर्ली ऑन क्लियर कर लो क्योंकि बाद में टाइम ही नहीं मिलेगा इनको करने का इनका काफी वेटेज होता है सो राइट नाउ प्लीज फोकस ऑन सॉल्विंग द बैकलॉग ऑफ योर बिग टॉपिक्स जिसमें आपके मैंने बता दिया कौन से बिग टॉपिक्स सबको पता है कौन से होते हैं यार जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जो टफ टॉपिक्स है रोटेशन वगैरह टाइप के ओके okay? एंड अगर आपको बैकलॉग क्लियर करने का आपके पास मटेरियल है तो बहुत अच्छा है आप जहां से भी पढ़ते पढ़ सकते हैं लेकिन अगर आपको काफी जल्दी बैकलॉग और क्लियर करनी है देन यू कैन ऑलवेज गो टू अकेडमिक सब्सक्रिप्शन मेरा खुद का लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं और भी कई लोग पढ़ाते हैं वहां का वन ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना ड्रॉपर वाले बच्चे एक साल का सब्सक्रिप्शन लेना है सभी बच्चों को और उसके अंदर जाकर आप मेरे लेक्चर्स देखना मेरे लेक्चर देखोगे काफी जल्दी बैकलॉग क्लियर हो जाएगी जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ते हैं कमेंट करके बताओ यार तुम लोगों ने कितना जल्दी अपना बैकलॉग क्लियर किया है पिछले आई uh, थिंक एक महीने पहले मुझे एक बच्चे ने बताया था उसने अपने 95 परसेंट बैकलॉग इन वन मंथ कंप्लीट कर दी काफ़ी कॉन्साइज टू द पॉइंट लेक्चर्स है तो ये आप डेफिनेटली कर सकते हो अकेडमिक्स वाले बच्चे तो मेरे लेक्चर्स देख के इस फोर्टी डेज में आराम से अपना काम कर लेंगे और बाकी बच्चे चाहे तो आ सकते हैं वरना आप जैसे भी करते हो आप कर सकते हो मैंने तो बता दिया कि फोर्टी डेज में यू हैव टू क्लियर योर बैकलॉग दैट शुड बी अ फर्स्ट प्रायोरिटी नेक्स्ट थर्टी डेज में मेरे क्या करना है ये तो मैंने कल ही बैकलॉग क्लियर और बैकलॉग क्लियर का मतलब होता है कि बेसिक लेवल पे आ जाए अब आपको यार इसको जेई मेन लेवल पे लेके जाना है तो ये थर्टी डेज आपकी पूरी तरह से प्रैक्टिस को जाएंगे सो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन प्रैक्टिस करो आप कि जो भी चैप्टर्स हैं उनके अंदर जेई मेन लेवल तक के क्वेश्चन आई एम नॉट आस्किंग यू टू सॉल्व नॉकिंग आई एम नॉट आस्किंग यू टू सॉल्व एदास गुप्ता आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू एनी ऑफ दैट स्टफ जस्ट सॉल्व योर बेसिक शीट आपको कोचिंग के अंदर जो शीट मिलती है हमारे साथ पढ़ते हो तो हम जो डीपीपी देते हो उत्ता लोगे बहुत है और कहीं और पढ़ते हो तो आपको जो भी मेटेरियम वहाँ पे मिलता है उसकी फर्स्ट और फर्स्ट uh, एक्सरसाइज आप कर सकते हो ठीक है आई एम नॉट आस्किंग कि भाई जाकर खतरनाक चीज़ें करो नो डोंट डू देट अदवाइज टाइम वेस्ट हो जाएगा ठीक है और लास्ट के थर्टी डेज जो मिलेंगे विच इज मोस्टली ऑफ दिसंबर ट्वेंटी वो आपका पूरा का पूरा जाएगा रिवीजन के अंदर कि भाई हम लास्ट का रिवीजन करें जिसके अंदर अपन पी वाई क्यूज लगाएंगे प्रीवियस ईयर के सारे चैप्टर्स के अंदर जो भी क्वेश्चन हम हाईलाइट करते हैं तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे ना तो आप हाईलाइट कीजिए जैसे आपके पास पांच क्वेश्चन है डी में यहाँ जहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पर लेट से आपको दो क्वेश्चन अच्छे लगे यार जिनमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है इनको स्टार लगा दिया करो और बाद में यू विल प्रैक्टिस ओनली दिस क्वेश्चन लेटर ऑन जिससे आप नया सीख सको ठीक है जो हमारे सब्सक्रिप्शन में पढ़ते हैं वो बच्चे आप हमारा जे ई वाला क्रैश कोर्स लगाना आप कुछ भी मत सोचना उल्टा सीधा जे ई वाला क्रैश कोर्स आपके सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड है वो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया है ठीक है उसको सॉल्व करना और बाकी बच्चे आपकी कोचिंग में आज जहाँ पे भी आप जाते हो आपको कुछ क्रैश कोर्स मिलता होगा कुछ मिलता होगा ना मेटेरियल लास्ट के लिए या टेस्ट मिलते होंगे वो आप करना ठीक है और यहाँ पे हम टेस्ट वगैरह भी दिया करेंगे बहुत सारे टेस्ट जैसे यहाँ पे भी देने हैं आपको महीने के अंदर एक दो टेस्ट दे देना लेकिन यहाँ पर आपको ट्राई करना है कि पर वीक आपको एक टेस्ट देना है ठीक है दिसंबर के अंदर आप ट्राई करेंगे कि जनवरी से पहले अपन एटलीस्ट पाँच छह टेस्ट लगा के जाए जिनमें कुछ तो पी वैक्यूज़ हो गए कुछ आपकी कोचिंग के टेस्ट हो गए हम तो टेस्ट कराते हम तो अभी भी टेस्ट करा रहे हैं हम तो कराएंगे ही पर बाकी बच्चे अपनी कोचिंग से कहीं से भी टेस्ट जुगाड़ के करें टेस्ट जुगाड़ोगे नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली बिकॉज टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर स्कोरिंग योर रैंक ओके okay, तो मैं आपको फटाफट से बताया तो मैंने क्या बोला है आपको काफ़ी क्विक स्टर्ड है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया फोर्टी थर्टी थर्टी डेज में डिवाइड करो पहले फोर्टी डेज में आपको टफ क्वेश्चन सॉरी जो टफ टॉपिक्स हैं जो आपके पूरी तरह से मेजर बैकलॉग जिसको कहा जाता है कि भाई बड़े टॉपिक्स छूटे हुए उसको आप क्लियर करें ठीक है मेजर बैकलॉग को क्लियर किया तो ये अपना फोर्टी डेज में हो सकता है यार अकेडमिक्स के कोर्सेस से आप कर सकते हो या आपको जहां से भी मिला वैसे कर सकते हो फिर थर्टी डेज आपके जाने चाहिए फॉर प्रैक्टिस जिसके अंदर आप क्या करो कि यार इजी क्वेश्चन आपकी शीट के अंदर है जे मेन लेवल तक के जे एडवांस के मत लगाना हाथ जे एडवांस लगाने का बहुत टाइम मिलेगा सो ना यू विल सो सॉल्व ओनली जेई मेन के लेवल के जो क्वेश्चन हैं आपके उनको हम सॉल्व करेंगे उनकी हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ पढ़ते हो तो हमारे डीपीपी के अलावा इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए और कहीं और पढ़ते हो तो आपकी इंस्टीट्यूट की जो भी डीपीपी कोचिंग मिलती है उसके अंदर आप लगा लीजिएगा इसके क्वेश्चन और सेल्फ स्टडी वाले बच्चे तो कितनी सारी किताबें आती है मार्केट में एक्स वाई जेड फिजिक्स फॉर जेई मेन उसको लगा लेना ठीक है बट बेस्ट तो ये है कि कोचिंग ज्वाइन करके आप आओ वो बेस्ट रहता है ठीक है मैंने पहले भी बताया था और लास्ट में आपको थर्टी डेज के अंदर तो टेस्ट देना है हर वीक हर वीक हो सके तो एक दो एक दो टेस्ट देते जाना जिसमें आपके पी वाई क्यू पेपर्स भी आपको लगाने टू थाउंड थर्टीन से लेकर टू थाउजेंड नाइनटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी तक के एक्चुअली और Uh, इसके अलावा आपको अपने कोचिंग के टेस्ट भी देने है ना और यहाँ पे आपके जो भी क्रैश कोर्सेज वगैरह जो भी मिलता है वो सब करना है और इनमें जो स्टार वाले क्वेश्चन थे उनका रिवीजन करना है तो यार अगर आप देखो तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ मैंने नहीं बता दी बहुत ऑब्वियस सी चीज़ थी और मैंने कहा था कि स्ट्रैटेजी एक ही है कि पढ़ाई और मेहनत करने लग जाओ रैंक अपने आप आ जाएगी यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम इफ यू स्टिल स्टार्ट स्टडिंग रियली वेल यू कैन डू ग्रेट ओके और अच्छी बात पता है क्या है अच्छी बात यह है कि आपके पास जनवरी से लेके अप्रैल का पूरा पीरियड फ्री होगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम नहीं है आप ड्रॉपर हो आपके बोर्ड एग्जाम है ही नहीं तो आप काफी ज्यादा फ्री हो ओके तो आपको तब टाइम मिलेगा बहुत सारा जे एडवांस के लिए पढ़ने के लिए क्योंकि ड्रॉपर वाले बच्चे होते हैं जेई एडवांस को एम करते हैं क्योंकि यार ड्रॉपर में कई बच्चों का ऐसा भी सीन होता है कि ठीक है उनकी रैंक तो आ गई होती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती है तो वो सोचते हैं कि यार इस बार तो मैं पढ़ ही रहा हूँ एक साल ड्रॉप कर ही रहा हूँ तो आई का एम करना है अपन को तो जनवरी से लेकर अप्रैल नहीं हाँ यहाँ पर अपन एडवांस लेवल की चीज़ें भी पढ़ेंगे तो अपन अपना परसेंटाइल भी इंप्रूव करेंगे और जे एडवांस की तैयारी भी पहले में करेंगे तो वो मैं आपको बताऊँगा जब समय आएगा लेकिन पहले आपको ट्राई करना है कि जनवरी अटेम्प्ट जो है वो अपन पूरा अच्छे से क्रैक करके आए ठीक है तो अगर आपको मैं फटाफट से अकेडम्स के बारे में बताता हूँ किसी बच्चे को नहीं पता हो तो मेरा एक पूरा लर्निंग प्लेटफॉर्म चलता है जहाँ पे मैं और भी कई सारे टॉपर लोग आपको पढ़ाते हैं यार तो वहाँ पे हम काफी अच्छे तरीके से आपकी पूरी बैकलॉग भी क्लियर करा देंगे आपको हम प्रैक्टिस भी करवा देंगे और क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज भी करवा देंगे सब कुछ एट इंडिया मोस्ट अफोर्डेबल रेट इतना सस्ता तो मैं कहीं पे ये सारा पैकेज नहीं मिलने वाला है सारा पैकेज कंप्लीट इतना रेट में कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है और काफी अच्छा है मैंने बनाया है इसलिए कि यार आप लोगों की प्रिपरेशन का जिम्मा मैं ही ले लूँ तो so, आप दे जाइए उसमें वन ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको लेना चाहिए अगर आप प्लस ट्वेल्थ या ड्रॉपर हो और टू ईयर का लेना चाहिए अलेवेंथ क्लास स्टूडेंट सो लिंक ऑफ द एंड्रॉड ऐप एंड वेबसाइट इज इन डिस्क्रिप्शन आई पे भी है आप जाके उसको एक्सेस कर सकते हो ठीक है डोंट फॉर्गेट टू लाइक दिस वीडियो इफ इ लाइक इट अपने ड्रॉपर फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार एंड कमेंट uh, करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन एनी ऑफ माय सोशल मीडिया लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन एंड मोस्ट इम्पॉर्टली अडबुक्स का लिंक देखना मत भूल जाना थैंक यू ऑल द बेस्ट बाय एंड टेक केयर मैं चाहता हूँ यहाँ 2021 ट्वेंटी भी अपना उतना ही अच्छे से अपन फोड़ के हैं जितना अपने 2020 ट्वेंटी के अंदर किया है ठीक है थैंक यू बाय